एमएसपी तो लिखित में देने के लिए तैयार है ना सरकार, एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी देने को तैयार है, एपीएमसी को लेकर बातें हो गई हैं, अब कानून में भी संशोधन करने के लिए तैयार थे, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? आप भी वही चीज कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम तो करने के लिए तैयार है, नहीं तो कोई श्वेता जी, भड़का रहा है, कोई बरगला रहा है किसानों को क्या? श्वेता जी, किसान इतने जागरूक हैं, उनको कोई नहीं भड़का सकता, उनको सब समझ में आता है। लिखित बात बोलना और कानून में उसका क्लॉज बनाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी भी कई चीजों का आश्वस्त करते हैं श्वेता जी, आपने देखा होगा 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्या क्या स्कीमें, नहीं डिजिटल इंडिया, पर जमीन पर क्या उतरा है हम सबको पता है। हम कानून में चाहते सुधांशु हैं जी, कि कोई भी सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए कि आखिर नहीं खरीद, क्या ये सही है कि सरकार की कथनी और करनी में कहीं पर फर्क महसूस कर रहे हैं किसान, या इसे भी आप बरगलाना कहिए? ना देखिए, हम तो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं श्वेता जी, हम पे तो ये आरोप ही यही है, यही लोग आरोप लगाते थे, चाहे किसान का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा, ये तो अपना मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, यही क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है इस देश में, कि कहते ऋण नेता कुछ है, करते कुछ है। अब आपने बहुत दोगली दोगली दगादक दोगली बोला, अब मैं बताता हूं दोगली नीति किसे कहते हैं, कि केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, दिल्ली में आके झंडा उठाते कि एपीएमसी एक्ट होना चाहिए। दोगली नीति से कहते हैं कि जाके छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में चुनाव के समय राहुल गांधी जी कहते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन में अगर नहीं कर्जा माफ हुआ तो निकाल बाहर कर दूंगा, मगर उसके बाद किसानों का कर्जा नहीं माफ होता है। दोगली नीति से कहते हैं कि आपके पार्टी के नेता आकर कहते हैं कि साहब सरकार, केंद्र सरकार को तो कानून बनाने का हक ही नहीं है, यह हक तो राज्य सरकारों का है, मगर राज्य सरकारों से कानून नहीं बनवाते हैं। दोगली नीति से कहते हैं कि एक तरफ टीवी पे आकर आपके मुख्य प्रवक्ता ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार को हक ही नहीं है, फिर आप कहते हैं कि दिल्ली में लाखों किसान खड़े हैं, आप कानून बनाइए। भाई गजब के तर्क है आपके, एक तरफ हमारे कहते हैं हमें हक नहीं है, दूसरी तरफ दोगली नीति से कहते हैं कि राज्यसभा में आप कहते हैं वोटिंग करने में, अरे अध्यक्षीय आसन के सामने टेबल पे नृत्य करते हुए, किताबें फेंकते हुए, माइक तोड़ते हुए, राज्यसभा के सभापति के ऊपर हिंसात्मक आक्रमण करते हुए, हम कहते हैं लोकतंत्र ऐसे चलता है? ऐसा तो साफ सन 52 में राज्यसभा बनने से छोड़िए, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से आज तक नहीं हुआ। इसलिए पूरे देश की जनता को पता है कि कौन है। और दोगली नीति किसे कहते हैं, गौरव वल्लभ जी कान खोलिए और सुन लीजिए, स्वामीनाथन आयोग कब बना? अटल जी की सरकार में। रिपोर्ट कब आई? मनमोहन सिंह की सरकार में 2006 में। और दोगली नीति से कहते 2014 तक एक लाइन नहीं इंप्लीमेंट की, इंप्लीमेंट की मोदी जी की सरकार। आज अटल जी का जन्मदिन है, अटल जी के सरकार के समय में वो अवधारणा बनी, मोदी जी के समय में इंप्लीमेंट हुई, मगर आज आकर छाती पीटते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं इंप्लीमेंट हुआ, वो नहीं इंप्लीमेंट हुआ। और दोगली नीति से कहते हैं कि पंजाब में गेहूं और चावल एपीएमसी में होना चाहिए, फल और सब्जी नहीं होना चाहिए। फल और सब्जी तो हम रोज खरीदते हैं, गेहूं चावल महीने दो महीने में खरीदते हैं। और एक और बात बता दूं, आज आपको दिखाई पड़ा महाराष्ट्र के किसान ने संवाद किया प्रधानमंत्री जी से, उसने कहा कि हाँ हमसे तो सीधे खरीदा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के किसान ने कहा कि 12 से 15 रुपया हमें मिलता था, मंडी में जाने का भाड़ा भी देना पड़ता था, अब अहमदाबाद की कंपनी सीधे 25 रुपया घर से उठा के ले जा रही है। तमिलनाडु का किसान भी था, ये बताइए आपका तो शासन है, ये छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में कितना किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जनाब आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपने पाठ दिया होता सोशल मीडिया को अगर 4 तस्वीरें भी मिल जाती। इसलिए आपके राज्यों में किसान संतुष्ट है, मगर दिल्ली में आकर किसानों की ठिठुरती ठंड में अपनी राजनीति की रोटी सेकने के प्रयास कर रहे हैं, दोगली नीति इसे कहते हैं। गौरव जी जवाब दीजिए इस बात का, क्या कांग्रेस शासित राज्यों के लिए नियम कुछ और होने चाहिए? जी श्वेता जी, इनकी दोगली नीति नहीं, इनकी सही नीति बताता हूं और फिर दोगली नीति भी बताऊंगा और आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। इनकी सही नीति क्या है कि किसान को थका दो और भगा दो। इस नीति से किसान नहीं हटने वाले भाई साहब, थका के और भगा कर किसान नहीं हटने वाले। आपकी नीति है ढोंग की नीति और प्रचार की नीति, ढोंग की नीति और प्रचार की नीति से किसान नहीं हटने वाले हैं। और अब आपने बहुत दोगली नीति की 1, 2, 3, 4 की बात करी, मैं आपका ध्यान आकर्षण
मान्यवर 19 नंबर पेज पर करना चाहता हूं, और ये 19 नंबर पेज है रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो स्वयं थे। उसका पेज नंबर 19 पे मान्यवर ये लिखा हुआ है कि एनफोर्स एमएसपी एज ए लीगल राइट। वो माननीय मोदी जी जिस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे वो आज किसानों को नहीं देना चाहते, और वो समझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के किसानों से संवाद करना पड़ रहा उनको। अरे मान्यवर, आप अपने नेताओं की टीवी पर बैठ के आप उनका विरोध क्यों करते हो? उनका उन्होंने कहा कि एमएसपी को लीगल राइट मिलना चाहिए 19 नंबर पेज पे, और आज आप उन्हीं का खंडन कर रहे हो। दूसरी बात, आपने कहा 44 किसान शहीद हो गए श्वेता जी पिछले 31 दिनों में इस ठिठरती ठंड में। माननीय प्रधानमंत्री जी को मियां नवाज शरीफ की माता जी को के शोक में पत्र लिखने का समय है, पर ये 44 किसानों को पत्र लिखने का समय नहीं है। ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को है, ना माननीय नरेंद्र तोमर जी को है। 44 किसान शहीद हो गए।